हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे प्रिंटिंग की बात करूंगा। सबसे पहला स्टेप जो होता है एक प्रोडक्ट को बनाने का, उसकी प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग होती है मतलब उसका चाहे लेबल हो, चाहे स्टिकर हो, चाहे पैकेट हो, कोई भी चीज़ जो आपको प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने में आसानी से बेचने में मदद करे, वो आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। हम लोग देखिए इस तरीके का प्रिंटिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये 3 kgs के हैं, 5 kgs के हैं। वॉशिंग पाउडर में आपको मिल जाएगा। और भी देखिए, मेन एक्सपर्टीज़ हमारी वॉशिंग पाउडर में है, लेकिन और भी चीज़ों का हम लोग प्रिंटिंग करते हैं। आपको छोटे बड़े सारे पाउचेस मिल जाएंगे मेरे यहाँ से। आपको अलग अलग कलर, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग शेप के अट्रैक्टिव पाउचेस आपके नाम से बन जाएंगे। ये देखिए जैसे ये सब बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि हर तरीके का पाउच हमारे पास अवेलेबल है, हर साइज़ में अवेलेबल है, छोटे से लेके बड़ा। और अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग कस्टमर्स के हिसाब से कस्टमाइज हो जाती है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाई बनती है, इसको कहते हैं सिलेंडर्स। मैं आपको डाई दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आपके सिलेंडर्स, जिसको कहते हैं सिलेंडर्स। ये 4 color के सिलेंडर्स बनते हैं और अलग अलग साइज़ में अलग अलग सिलेंडर्स बनते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सिलेंडर्स क्या चीज़ होती है। ये देखिए, इसमें पूरी डिज़ाइन इंग्रेव होती है। ये पूरा मेटल पीस होता है। 4 color, 5 color के मिनिमम सिलेंडर्स बनते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये जो सिलेंडर है इसमें पूरी डिज़ाइन इस रैपर की बनी हुई है, जो भी रैपर से ये बनती है। फिर इसी से आपका रोटोग्रेवियर प्रेस से ये प्रिंट होके आपका इस ये रैपर का फॉर्म आता है। इसको कहते हैं मल्टी लेयर पाउचेस। इसमें 2 layer में ये बनता है। ऊपर जो लेयर होती है पहले वो छपती है, फिर इसको मजबूती देने के लिए अंदर से LD लगाई जाती है। तो ये 2 layer पाउचेस होते हैं। ऐसे ही खाने पीने में 3 layer भी होते हैं, उसमें अंदर मेटल भी लगती है। तो ये दोनों ही चीज़ हमारे यहाँ से छप जाएगी, चाहे चाय की पत्ती हो, चाहे आपका खाने पीने का प्रोडक्ट हो, या आपका डिटर्जेंट हो। डिटर्जेंट लाइन में हमारे पास सारे केमिकल्स, इसकी प्रिंटिंग, इसकी मशीन्स एक ही जगह से आपको मिल जाएगी। आपके लिए बहुत आसान कर दिया है इसके बनाने का फॉर्मुलेशंस। इसको पूरा जो भी ब्रांड अपना प्लानिंग कर रहे हैं, मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा। पूरी ब्रांड प्लानिंग जीरो से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक कैसे बनेगा और कैसे बेचना है, इसके बारे में बताऊंगा। इसकी प्राइस लिस्ट भी मैं आपको दूंगा। प्राइस लिस्ट बहुत सारे लोग नहीं बनाना जानते हैं या लोगों को नहीं पता है। बिना प्राइस लिस्ट के अगर आप माल मार्केट में लेके जाते हैं तो बेचने में दिक्कत आती है। तो आपको पूरी मैं असिस्टेंस दूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको अगर ये पाउचेस बनवाने हैं, आपको ये प्रिंटिंग करवानी है, आपको ये डाई सिलेंडर्स बनवाने हैं, क्योंकि देखिए सिलेंडर्स फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले कंप्यूटर पे डिज़ाइन बनेगी, फिर उससे ये फिज़िकल डाइज बनेगी। ये तो सिंगल सिंगल पीस मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप एक डिज़ाइन को बनाते हो तो मिनिमम 4 color मतलब 4 ऐसे सिलेंडर्स बनते हैं, लोहे के पीसेस बनते हैं, उससे एक डिज़ाइन कम्प्लीट होती है, आपकी डाई बनेगी। इसमें 7 to 10 days मिनिमम लगते हैं। अलग अलग साइज़ पर, अलग अलग रेट पर, अलग अलग उस पर अलग अलग बजट बनता है। तो आप जब बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि एज़ पर साइज़ की क्या रेट के सिलेंडर्स डाई बनेगी। उसके बाद जब डाई बन जाती है तो 7 to 10 days में प्रिंटिंग होती है। तो ये अप्रॉक्स 20 से 25 days का पूरा प्रोसेस है वर्किंग डेज का। तो अब जब आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में और इसकी जानकारी दूंगा। रेट फ्लक्चुएट होते हैं मार्केट के हिसाब से, डेली कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशंस होते हैं। तो जब आप बात करेंगे, जिस दिन की बात करेंगे उस दिन की मैं आपको बताऊँगा। इसका पूरा डिज़ाइन मेरे ऑफिस में ही बन जाएगा। आप लोग आके डायरेक्ट डिज़ाइन भी बनवा सकते हैं या व्हाट्सएप या फ़ोन से भी डिज़ाइन बनवा सकते हैं। हमारे डिज़ाइनर हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइंस बनाते हैं। अलग अलग डिज़ाइंस उन्होंने देखिए बनाई है, अलग अलग कलर चॉइस पे बनाई है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। एक ही जगह से आपको सारी सहूलियत मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रिंटिंग फर्स्ट स्टेप है। प्रिंटिंग के बाद का काम शुरू होता है। इसमें कुछ भी आप जैसे वॉशिंग पाउडर का बनवा रहे हैं तो वॉशिंग पाउडर भरेंगे, खाने पीने का बनवा रहे हैं उसके बाद भरेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो देखिए प्रिंटिंग है। जब प्रिंटिंग आपकी तैयार होगी तभी आप इसको आगे मार्केट में लेके बेचने जाएंगे। देखिए, जो अच्छा दिखता है वही अच्छा बिकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपका डिज़ाइन अच्छा है, आपकी प्रिंटिंग अच्छी है, आप एक नॉलेजेबल बंदे से जुड़ रहे हैं जिसको डिज़ाइन का तजुर्बा है। हमारी फैमिली 40 years से यही काम को कर रही है प्रिंटिंग का, तो हमारी फैमिली को काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी तजुर्बा है अच्छी डिज़ाइन बनाने का और अच्छा प्रोडक्ट बना के देने का भी। तो जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपका मार्केटिंग का पूरा, आपका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका कॉम्पिटिटर से आपको कैसे कॉम्पिटिट करना है, कैसे आपको प्रोडक्ट बेचना है, सब कुछ बताएंगे।
सबसे बड़ी बात है कि आपको अंडर वन रूफ इतनी नॉलेज प्रोवाइड एक जगह से आपको नहीं मिलेगी। अगर आप किसी और प्रिंटर से जुड़ोगे जाओगे तो उनसे हम बेटर हैं, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ आपको प्रिंटिंग के बारे में बताएंगे, हम आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देंगे, प्लस दूसरों से सस्ते रेट पे काम है, दूसरों से जल्दी करके देंगे और अच्छा करके देंगे। सबसे बड़ी बात है इस काम में जल्दी के साथ साथ अच्छा भी होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन रहा है, अगर प्रिंटिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि प्रोडक्ट जब मार्केट में लेके जाओगे तो बेचने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बात बताऊँगा, सस्ता मत देखिएगा। कई लोग होते हैं झांसा दे के सस्ते में आ जाते हैं, हमारे रेट भी जेन्युइन हैं, जो मार्केट में चल रहे हैं उसी के अराउंड हैं, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। क्वालिटी जो दिख रहा है वही बिक रहा है। अगर कोई आपको 10 रुपये 15 रुपये कोई चीज़ सस्ती दे रहा है तो देखिए उस पर मत जाइए, आप क्वालिटी पे जाइए, क्योंकि 10-15 रुपये किलो पे अगर आप इसको देखोगे तो सिर्फ ओवरऑल पर पीस में आपका कुछ पैसे का फ़र्क आएगा, लेकिन वो जो पैसों का फ़र्क आएगा ना 10-20 पैसों का, वो आपका ये डिसाइड करेगा कि आपका ये प्रोडक्ट, आपका ये पैकेट बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा। अगर पाउच में अगर प्रिंटिंग अच्छी नहीं है, ब्लरीनेस है, अगर पाउच अच्छा अट्रैक्टिव नहीं है, अगर डिज़ाइन अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलता है, ब्रांड नहीं बन पाता है, ब्रांड नहीं चलता है। हम इस पर फोकस करते हैं कि आपका ब्रांड चले, और आपको पूरा टूल्स एंड टेक्निक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे ब्रांड को मार्केट में प्लेस करो। प्रिंटिंग बहुत ज़रूरी है, प्रिंटिंग का बहुत विशेष ध्यान रखिए, अच्छी प्रिंटिंग से ही प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, ब्रांड अच्छा बनेगा। बार बार मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छी ब्रांडिंग करानी है तो कांटेक्ट करिए। ये देखिए हमारा खुद का भी ब्रांड है, AM बस के नाम से हम लोग भी मार्केट में निकाल रहे हैं, कंसेप्ट सेलिंग है। इसमें हमने मॉर्निंग बस का कंसेप्ट लिया है, देखिए इसमें AM का मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह का समय होता है, और हम लोग इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो स्कूल जाते बच्चे हैं वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, मॉर्निंग बस से जाते हैं, तो उससे उनका दिन भी